नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के ऊपर और देश और दुनिया को किस तरीके से सोसाइटीज चलाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और उससे जुड़ी हुई मानसिकता और विचारधारा किस तरीके से बनती है और लागू होती है इसके बारे में। हम बात की शुरुआत करेंगे कि विचारधाराएं कैसे बनती हैं। विचारधाराएं बनने का सबसे अहम मतलब ये है कि आप अपनी जीवनचर्या कार्यचर्या किस तरीके से अपनाते हैं समाज में। तो कहने का आशय ये है, आप जिस भी तरह का कार्य करते हैं उसी तरह की परिस्थितियां या स्थितियां या लाभ प्राप्त करने की सुविधाएं आप समाज में चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन कार्य में, जीवनचर्या में, कार्यचर्या में। इसी के ऊपर आधारित होता है समाज का सोशल डेवलपमेंट और विचारधाराओं का मार्केट में लागू होना या सोसाइटीज में लागू होना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी विचारधाराएं आपके कार्य के अनुसार, आपके गृहस्थ जीवन के अनुसार निरूपित होती है। देखा जाए सभी की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, सभी के रहन सहन तौर तरीके अलग अलग होते हैं। अगर सोसाइटीज में हम बात करें, एक डॉक्टर या एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, वो अपना पूरा वातावरण रहने सहने खाने पीने ओढ़ने बिछाने और समाज में अपनी सभी तरह की क्रियाओं के लिए मेडिकल साइंस से जुड़े हुए माहौल को परिस्थितियों को ही चाहेगा। ठीक उसी प्रकार एक वकील अपने कार्य के अनुरूप ही अपने घर का माहौल और अपने समाज का माहौल चाहता है। एक इंजीनियर अपने कार्य के अनुरूप ही समाज का माहौल अपने घर का माहौल चाहता है। एक पॉलिटिशियन समाज का माहौल और अपने घर का माहौल अपने अकॉर्डिंग चाहता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने समाज का माहौल और अपने घर का माहौल अपने कार्य के अनुरूप चाहता है कि हम जिस तरीके का बिहेवियर अपना रहे हैं समाज में हमें उसी तरह का बिहेवियर मिले। एक व्यवसायी अपने घर में या अपने व्यवसायिक कार्य में वही चाहता है जो वो अपने व्यवसायिक कार्यों में चाहता है। तो देखा जाए कि विचारधाराएं मुख्य रूप से किसी भी इंसान के कार्य या क्रियाकलापों के बाद बनती, क्रियाकलापों के करने के बाद बनती। जिस भी क्रियाओं में वह पारंगत हो जाता है, जिस भी क्रियाओं को करने में पारंगतता हासिल कर लेता है, उसी के अनुरूप अपनी जीवनचर्या अपनी दिनचर्या निर्धारित करता है और वो चाहता है कि अपने समाज में इसी तरह का माहौल उसको मिलता रहे ताकि वो और आगे लाभान्वित होता रहे उन कार्यों से। तो अब ये गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश बहुत बड़ा होता है, सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, समाज में कई तरह के विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अर्थात कई सारे कार्य करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं और सभी को एक ही टाइप की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इंजीनियर के औजार कुछ अलग तरीके के होते हैं, डॉक्टर के औजार कुछ अलग तरीके के होते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति ये चाहता है कि धर्म के अनुसार पूरे समाज में या उसके क्रियाओं के अनुसार पूरे समाज में और उसके घरेलू माहौल में उसको कार्य करने की स्थितियां मिले। तो अब सभी लोगों को मंत्र तो नहीं सिखाए जा सकते, तो गवर्नमेंट के सामने ये समस्या सबसे ज़्यादा रहती है कि अपने देश में या अपने समाज में या अपने सोसाइटीज़ में नियम किस तरीके से लागू करें सोसाइटीज़ में, क्योंकि सभी लोग अपने गृहस्थ अपने कार्यों के अनुरूप चलाते हैं। एक इंजीनियर अपने घर को इंजीनियरिंग नियमों के हिसाब से चलाता है, चाहे घरेलू कार्य ही क्यों ना। एक मेडिकल साइंस से जुड़ा व्यक्ति या एक साइंटिफिक व्यक्ति अपने पूरे घर का माहौल साइंटिफिक बना के रखता है। ठीक उसी प्रकार एक पॉलिटिशियन अपने व्यवसायिक माहौल को और अपने घर घरेलू माहौल को पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के आधार का बना के रखता है उस बैकग्राउंड में उस डिग्निटी में। तो गवर्नमेंट के सामने जो चुनौती है, इस चुनौती पर गवर्नमेंट कुछ नियम बनाती है, उन्हीं नियमों को संविधान में संशोधन करके या पूर्व
तरीके से लिखे हुए हैं उन्हें लागू करती है और उस तरीके से चलाती है। तो समाज को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि समाज में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति की विचारधारा लागू नहीं हो रही है जो समाज में अपनी बात रख रहा है। बात रखने वाले व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समाज सोसाइटी में देश में अलग अलग विचारधारा अलग अलग कार्यों को करने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं। उनका उनकी परंपराएं उनका रहन सहन अलग अलग होता है उनके कार्य अलग अलग होते हैं। इसीलिए जब भी अपनी बात कहें तो तटस्थ होकर के कहना चाहिए न्यूट्रल जोन पे आकर के कहना चाहिए एकदम एक पक्ष लेकर के बात नहीं करनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं बाकी किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए एक प्रवक्ता की खासकर जब वो सोसाइटी के एक बड़े जन समुदाय को संदर्भित कर रहा हो या कुछ समझाने का प्रयत्न कर रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल वाला है या कोई स्कूल का प्रिंसिपल है वो अपने स्कूल का माहौल अपने घर का माहौल यदि उसने किसी अन्य प्राइवेट संस्थाओं में अन्य प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कुछ संस्थाएं खोल रखी हो तो उसका माहौल और वो समाज में जिस भी जगह मेहमान बन के जाता है उस जगह का माहौल वो चाहता है कि उसके अनुरूप हो। वो जिस तरह की बातचीत करता है जिन नियमों पर आधारित बातचीत करता है उसके बोलचाल का तरीका भी उसके व्यवसाय के अनुरूप ही होता है। अगर आप एक मेडिकल साइंस से जुड़े व्यक्ति से बातचीत करने जाओगे तो उसकी ज्यादा रुचि मेडिकल साइंस से जुड़ी हुए बातों को करने में आएगी। इंजीनियर व्यक्ति से बातचीत करने जाएंगे आप तो उसकी ज्यादा रुचि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातचीत करने में आएगी। ठीक उसी प्रकार एक ब्राह्मण व्यक्ति से बातचीत करने जाएंगे तो उसको धर्म और अध्यात्म की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक वैसे ही एक पॉलिटिशियन से बात करेंगे एक पुलिस से बात करेंगे तो उन्हें उस बैकग्राउंड की बातचीत करने में ज़्यादा मजा आता है बजाय कि वो उस जगह पर किसी अन्य बातों को करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके का बिहेवियर अपने अंदर उतार रहे हैं। इस तरह का बिहेवियर समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल खोल करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं परंतु हम स्कूल में रात और दिन भजन कीर्तन कराते हैं और पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है सिर्फ रोज हवन हो रहा है रोज पूजन हो रहा है रोज हम रामायण पाठ कर रहे हैं बच्चों को एक जगह बिठा करके। तो इस तरह की जो मानसिकता है इस तरह के जो ख्यालात हैं वो समाज में विचारधारा बनने लायक नहीं होते। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा स्कूल जा करके हवन पूजन सीखता फिर क्योंकि उन बच्चों को इंजीनियर बनना है उन बच्चों को डॉक्टर बनना है उन बच्चों को किसी भी अन्य विभाग का बड़ा अधिकारी बनना है तो उससे रिलेटेड उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से समाज में शिक्षा कौन देता है समाज के कुछ लोग समाज के बाकी के कुछ लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं ठीक उसी प्रकार वो बाकी के कुछ लोग समाज के उन कुछ लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि समाज के ही लोगों को शिक्षा मुहैया करा रहे होते हैं चाहे स्कूल में करा रहे हों चाहे घर पे करा रहे हों चाहे व्यवसाय में करा रहे हों चाहे सड़क पे करा रहे हों। तो कहने का आशय ये हुआ कि समाज की विचारधाराएं समाज की परिस्थितियां देश की परिस्थितियां देश में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित होती है वह किस तरीके का कार्य कर रहे हैं वह किस तरीके की मानसिकता ईजाद करना चाहते हैं अपने दिमाग में इस बात पर निर्भर करती है। तो सोसाइटीज कई सारी हैं परंतु अब एक ऐसे जगह की कल्पना करें जो एक एरिया है एक इलाका है उसमें एक ही टाइप का समाज नहीं रहता कई टाइप के कुछ लोग रहते हैं अलग अलग सभ्यता अलग अलग समुदाय के अलग अलग समाज के। उदाहरण के लिए एक गांव एक ग्रामीण इलाका और एक शहरी इलाके की तुलना करते हैं या उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि कई सारे ग्रामीण इलाके हैं एक शहर है उन गांवों से अलग अलग सभ्यता अलग अलग समाज अलग अलग परंपराओं को मानने वाले उस शहर में आते हैं और वहां पर आके बस जाते हैं।
आठ दस लोग किसी अलग सभ्यता के हैं, आठ दस लोग किसी अलग सभ्यता के हैं, आठ दस लोग किसी अलग परंपरा को मानने वाले हैं, आठ दस लोग किसी अन्य परंपराओं को मानने वाले हैं, और ये सभी शहर में एक जगह पर एकत्रित हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, हालांकि ऐसा होता ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गांव में तो एक ही टाइप का समाज था पूरा, लगभग एक ही भाषा बोलने वाले एक ही जाति के लोग थे, तो किसी जाति को समाज नहीं कहा जा सकता। समाज किसको कहेंगे? शहर में जितने भी लोग आकर के बसे और जितनी भी परंपराएं हैं उन्हें एक मत में लेकर के शहर चल रहा है, उस चीज़ को कहेंगे समाज, क्योंकि वहां पर कई सारे जातियों के लोग आकर के रह रहे हैं, उसको कहते हैं समाज। और वो अपना डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, वो सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु सभी लोग धर्म के अनुरूप या विज्ञान के अनुरूप नहीं है, वो सभी लोग संविधान के अनुरूप है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी भी कार्य को करने वाला किसी भी फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति हो, वो ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ धर्म के अनुसार चला रहे हैं और आपको भी चलना ही होगा। साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कभी सबसे कि हम साइंस के हिसाब से सब समाज चला रहे हैं और आपको चलना ही होगा। इस मतभेद को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने संविधान की रचना की और पूरे देश को एक मत में संवैधानिक तौर पे लेकर के चलने का प्रयास। तो इससे ये बात निकल के सामने आती है कि एक ऐसी विचारधारा जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है वो तो समाज में रहती ही है, परंतु ऐसी कई अन्य विचारधाराएं हैं जो अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, उन्हें भी साथ में लेकर के चला जाता है, उसके एकात्मक रूप को देश कहा जाता है, देश की विचारधारा कहा जाता है। देश की विचारधारा या समाज की विचारधारा कई अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचारधाराओं का मिश्रण होती है, इसी मिश्रण को समाज की विचारधारा कहा गया है, और इसी मिश्रण के माध्यम से समाज की विचारधारा, समाज की क्रियाविधि, समाज की दिनचर्या निर्मित होती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।